दिज दिस रूल एक्चुअली इट इज़ हाउ इंटरागेटिव सेंटेंसिज आर चेंज फ्राम डायरेक्ट इन टू दिस इरेक्ट स्पीच इस तरह हम सवाल या जुमलों को चेंज करेंगे जिनमें लास्ट में आता है नोट ऑफ इंटरागे आपको चार चीज़ें अहम जो आपको याद रखनी है uh, फस्ट ऑफ आल जो पहला पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है सेड वो चेंज होता है आस्क में अगर सेड है वो आस्क में होगा चेंज या इनक्वाड में होगा डिमांडेड में होगा या और कोई वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं द रिपोर्टिंग दीज अदर वर्ड्स सेड्स आस्कर डिमांडेड एट्सट्रा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में होता है नोट ऑफ इंटरागेसन वो नोट ऑफ इंटरागेशन ख़त्म होता है एक्चुअली दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू टू एसर्टिव सेंटेंस और एसर्टिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप होता है नोट ऑफ इंटरागेशन ख़त्म होता है तीसरा जो अहम पॉइंट है क्वेश्चन अगर जिस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा फॉर एग्ज़ाम्पल इज़, एम आर वाज वायर कैन, कोड शेल, शुड विल वुड तो हम क्या करते हैं वो यूज़ इफ आर वेदर यही हम इस्तेमाल करते हैं उस हेल्पिंग वर्ब के बदले उस हेल्पिंग वर्ब से पहले हम यही कंजक्शन कन्जक्शन इस्तेमाल होता है रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान जो चौथा पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन अगर क्वेश्चन स्टार्ट uh, होता है क्वेश्चन वर्ड से विदाउट हेल्पिंग वर्ड्स दिस हेल्पिंग वर्बस फॉर एग्जांपल हु व्हाट हुट हाउ व्हाई एट्सट्रा दैन नो कंजक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट द रिपोर्टिंग स्पीच विद द दिस रिपोर्टेड वर्ब तो उनमें कोई कन्जक्शन ना वेदर इस्तेमाल होता है ना इफ होता है ये आपको चार इम्पॉर्टेंट बातें याद रखनी है बाक़ी जो बेसिक रूल्स है वो फॉलो यहाँ भी होते हैं टेंस चेंज होता है इन्वर्टेड कामाज ख़त्म होते हैं एडवर्स टाइम चेंज होते हैं बाकी जो आपने इससे पहले भी बहुत से रूल्स पढ़े हैं इसके बारे में वो यहाँ भी फॉलो होते है। तो हैं क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो बातें ज्यादा अहम याद रखनी है इफ ए क्वेश्चन स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब देन वो यूज वेदर आर इफ ए क्वेश्चन स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन वर्ड हु वाट वीच हाउ एट्सट्रा देन वी डोंट नीड एनी कंजक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच नाउ आप अपनी किताब खोलिए पेज नंबर फोर्टी पर आपके जो पहले दस जुमले है उनको आपको करना है चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ये दस क्वेश्चन है और जो दूसरा पोर्शन है उसका उसको आपको चेंज करना है फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच पहले जो दस जुमले है पहले हम यही करेंगे पहला जुमला है माई फ्रेंड सेट टू मी कामा इन्वर्टेड कामर्स विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर नोट ऑफ इंट्रोगेशन इनवर्टेड कामर्स क्लोजड इसका मैंने लिखा है माई फ्रेंड मी वेदर वेदर क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है इसलिए इसमें वेदर आएगा या इफ़ आएगा वेदर आई वुड हेल्प हिम इन दैट मैटर विल होगा वुड में चेंज ये भी एक रूल है दूसरा जो पार्ट है दूसरा सेंटेंस ही येट मी वट कैन आई डू फॉर यू ई आस्कड मी वट कुड ही डू फॉर मी वट कुड ही डू फॉर मी कैन कूड में चेंज होगा आई सेट टू हर वाई इज चाइल्ड वीपिंग तीसरा आई आस्कड हर वाई वॉज द चाइल्ड ंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसको हमने पास में चेंज किया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है नोट ऑफ इंट्रोगेशन खत्म हो गया है क्वेश्चन नंबर फोर द वट टू द लैम वाई आर यू मेकिंग द वॉटर मडी इसका है दास्क द लैम वाई वाज ही मेकिंग द वाटर मडी ये भी कंटिन्यूस टेंस था इसका भी हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाया है शी सेट मी हाउ ऑफन डू यू टेक थी

जो वहाँ आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस दिए गए हैं अब आपको उनको डायरेक्ट बना रखना कोटेशन uh, मार्क जो होते हैं उन, उनको भी लगाना है और नोट ऑफ इंटरागे भी आपको एट द एंड आप लगाना है क्योंकि दिज आर ऑल क्वेश्चन इंटरागेटिव सेंटेंस ये जो पक्चुएशन मार्क्स हैं उनका ख़्याल आपको बहुत रखना है बिकॉज दिस आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस द टीचर आस्कर द न्यू कमर वाट इज नीम वाज द टीचर शेड टू द न्यू कमर कामा वट इज़ योर नेम नोट ऑफ इंटरागेशन भी है इन्वर्टेड कामाज भी है दोनों तरफ

what the house had cost him i said to him what the house has cost you then the sixth one the teacher asked the students if they had revised the lesson the teacher said to the students have you revised the lesson then we have a uh, seventh one he asked his brother if he wanted to become a doctor he said to his brother do you want to become a doctor लास्ट वन आई आस्क्रेंड इफ़ यू वुड ए कम्पनी मीट टू दार्किट आई आस्क टू माई फ्रेंड वे यू अम्पनी मीट टू दार्केट नोट ऑफ इंटरागे तमाम आठों के आठ जुमने इंटरागेट सेंटेंस है लिहाजा उनमें हमने सब के आखिर में नोट ऑफ इंटरागेशन भी लगाया है कामों भी लगाया है इन्वर्टेड कामाज भी लगाए हैं डायरेक्ट स्पीच में ये तीनों चीज़ें अहम होती है इनडायरेक्ट डरेक्ट जुमले में जैसे कि इससे पहले भी हमने पढ़ा है कामा भी इस्तेमाल नहीं होता है इनवर्टिज कामाज भी ख़त्म होती है और जो लास्ट में आ, नोट ऑफ इंटरागेशन होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है आ, वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं दे बिकम एसर्टिव सेंटेंस आ, उनके लास्ट में फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ग्रामर पोर्शन ऑफ द लेसन इसका पहला हमने किया था वर्ब्स के बारे में Uh, फिर हमने किया था दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में नाउ इनशा इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट अनदर लेसन लेसन टिल दैट गुड बाय